नमस्कार। सिर्फ एक इंसान आपकी लाइफ में, सिर्फ एक इंसान है ना जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, जो आपको सक्सेस की टॉप पर पहुंचा सकता है, जो आप जीवन में जो चाहो वो आपको दिला सकता है। और जितना जल्दी हो सके उस इंसान की बात मान लो, उस इंसान के पास चले जाओ। आप कहोगे सर कि हमें सफलता की ऊंचाइयों पर एक इंसान पहुंचा सकता है, हम सफलता के टॉप पर पहुंच सकते हैं, हमें जो चाहे जो इंसान दिला सकता है, ऐसा इंसान कौन है? बिल्कुल है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है। आपको जो चाहे जो दिला सकता है, आप जो चाहे जो कर सकते हो, आप जो इस दुनिया में आए हो और आपको लगता है मेरा ये एम है और मुझे पाना है, वो आपको दिला सकता है। उसकी बात माननी होगी, आपको उसके पास जाना होगा और बस वो काम करना होगा। आपको पता है ऐसा इंसान कौन है? आपको पता नहीं होगा। आज मैं बताऊंगा कि वो इंसान कौन है और आपको उसकी बात माननी होगी। कहीं अंदर से उसकी आवाज निकलती होगी, आपको माननी होगी उसकी बात। और ध्यान रखना, वो इंसान और कोई और नहीं, आप खुद हो। जी हां, आप कहोगे सर हम खुद कैसे? बिल्कुल, एक बात ध्यान रखना, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, भाई, मां बाप आपकी मदद कर सकते हैं आपको सफलता के रास्ते में, आपको पैसे की मदद कर सकते हैं, आपको भावनात्मक तो मदद कर सकते हैं, आपको हर तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको पता, मेहनत तो आपको करनी होगी। कोई भी इंसान आपका कितना खासम खास क्यों न हो, आपका जिगरी क्यों न हो, वो भी चाहकर आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा सकता है। ये दावा है मेरा आपसे। चाहे वो आपका कितना ही क्लोज हो, लेकिन फिर भी वो आपको सफलता की टॉप पर नहीं पहुंचा सकता। तो सफलता के शिखर पर आपको कौन पहुंचाएगा? आप खुद। जब आप खुद मेहनत नहीं करोगे, दूसरे लोग आपकी मदद कर लेंगे, आप कितने ही अच्छे हो, मदद करेंगे, आपके पैसों से मदद करेंगे, आपके भावनात्मक मदद करेंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैं मानता हूं डेफिनेटली सब कुछ करेंगे, लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी? वो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको रात दिन एक करना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए, आपको रातों को जागना पड़ेगा आपकी सफलता के लिए, आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा आपकी सफलता के लिए। कहते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, माँ बाप खूब कहते हैं पढ़ाई कर, वो हर तरह से अपने पैसा जितना चाहे वो पैसा लगाते हैं और अपने बच्चे के साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मां बाप क्या कहते हैं? मैं पैसा लगा सकता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा रह सकता हूं, लेकिन मेहनत तो तेरे को करनी पड़ेगी, पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा, आगे तो तेरे को बढ़ना पड़ेगा। तो सब कुछ दुनिया नहीं करती आपके लिए, मैं वो आपका साथ दे देती, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे होते, तब अर्जुन कहते हैं, हे सर्वेष्ठ सर्व, आप हो इस दुनिया में सर्वशक्तिमान, तो आप इस महाभारत के युद्ध को खत्म क्यों नहीं करते? आप एक पल में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, तो प्रभु आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो करना होगा सिर्फ तेरे को करना होगा, मैं तो सिर्फ तेरा साथ दूंगा। जब भगवान स्वयं उस युद्ध को खत्म कर सकते थे एक पल में, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अर्जुन का साथ किया। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, भगवान भी आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मेहनत भगवान नहीं करेंगे, यह ध्यान रख लेना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी। भगवान आके आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे आके आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे आके आपके लिए रात दिन नहीं जागेंगे।
मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और अपने लिए करनी पड़ेगी, और सफलता पे आपको कोई भी आपका हाथ पकड़कर सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं ना, जब किसी की मौत हो जाती है और लोग उनका कंधा लेकर, कंधा लगाकर साथ में चलते हैं, तो एक कहावत है कि लोग आपको कंधा दे सकते हैं लेकिन आपके साथ में मर नहीं सकते। सही बात है, लोग आपकी पैसों से मदद करेंगे, लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे, लोग आपको हर तरह से मदद कर देंगे, आप अच्छे हो, लेकिन मेहनत तो सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। इसलिए लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका खासम खास हो, फिर भी वो आपको पकड़कर सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचाएगा। आप स्वयं को मेहनत करनी होगी, आप स्वयं को अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आप स्वयं को जागना पड़ेगा और आप स्वयं को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, कोई भी इंसान आपको रातों रात सफलता नहीं दिला सकता है, कोई भी इंसान आपको सफलता का शिखर पर नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई है आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाला, अगर कोई है आपको अपना लक्ष्य पाने वाला, तो वह आप खुद हो। कोई दूसरे आपका लक्ष्य पकड़कर आपको नहीं देंगे। आपका लक्ष्य अगर आपको पकड़ना है तो आपको खुद को पकड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं आएगा, कोई ऐसे भगवान या कोई ऐसा आपके लिए देवदूत नहीं आएगा, लो यार ये आपका लक्ष्य है आप ले लो। बेटे बिठाए आपको कौन लक्ष्य देगा? आपका लक्ष्य नहीं देगा। आप क्या सोचते हो, मेरे लाइफ में चमत्कार हो जाए यार, मुझे वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, रातों रात मेरा मकान बन जाए, रातों रात मेरे पास गाड़ी बंगला नौकर हो, क्या ये सोचते आप? मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब आप अपने मेहनत के दम पर पाओगे, कोई आपको कुछ भी लाकर नहीं देगा। ये अगर आपकी गलत फहमी है तो दिमाग से निकाल देना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और कोई भी इंसान आपको सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा सकता। कोई अगर इंसान आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है ना, तो आप स्वयं, आप खुद मेहनत करना, आप खुद अपने आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हो, कोई दूसरा पहुंचाने नहीं आएगा।